ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुलाबी नगरी जयपुर में राज्य सरकार पर्यटन को एक और सौगात देने जा रही है। जयपुर आने वाले पर्यटकों को रणथंभौर, सरिस्का, टाइगर सफारी जाने की जरूरत नहीं होगी। जयपुर शहर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां लेपर्ड, लॉयन और हाथी सफारी के बाद टाइगर सफारी भी पर्यटकों को देखने को मिलेगी। अगले महीने टाइगर सफारी का शुभारंभ प्रस्तावित है। देखिए ये रिपोर्ट। जयपुर के नाहरगढ़ में शुरू होने वाली टाइगर सफारी में नर टाइगर, नाहर और मादा टाइगर रानी के खुले जंगल में दीदार होंगे। लंबे समय से केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से स्वीकृति के बाद फंड अभाव में अटकी टाइगर सफारी के विकास को पंख लग गए। जयपुर विकास प्राधिकरण ने लॉयन सफारी की तर्ज पर टाइगर सफारी भी विकसित करने का जिम्मा उठाया और वन विभाग के अफसर टाइगर सफारी के काम को तेजी से अंतिम रूप दे रहे हैं। सफारी के इस जंगल में बाघ, बाघिन के साथ अन्य वन्य जीव भी छोड़े जाएंगे। उनके लिए वाटर पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। इसे लॉयन सफारी की तरह विकसित किया गया है। टाइगर सफारी शुरू होने के बाद जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर हो जाएगा जहां दो लेपर्ड सफारी, एक लॉयन सफारी, हाथी सफारी और टाइगर सफारी की जाती हो। अधिकारियों की माने तो 30 हेक्टेयर में बनने वाली टाइगर सफारी पर करीब 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अगले महीने तक टाइगर सफारी शुरू हो सकेगी। यहां सबसे पहले एक जोड़ा छोड़ा जाएगा। इसमें 8 की शेप में ट्रैक बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर की होगी, तो एक भव्य द्वार और एक वॉच टावर भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बाघों के लिए 10 शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं ताकि रात के समय उन्हें उनमें रखा जा सके। लॉयन सफारी की माफिक यहां 4 कैंटर लगाए जाएंगे। सैलानी 4 गाड़ियों में बैठकर बाघों का दीदार कर सकेंगे। वहीं सैलानियों से प्रति व्यक्ति 250 रुपए तक शुल्क लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 5 बाघ बाघिन प्रवास कर रहे हैं। इसमें 2 बाघिन रंभा और महक उम्र दराज हो चुकी हैं। लिहाजा महाराष्ट्र के एक जैविक उद्यान से 2 बाघिन को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके आते ही यहां जोड़ियां बन जाएंगी। हालांकि एक नर बाघ की भी जरूरत है, उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग के एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से ही लाया जाएगा। दूसरी ओर बाघ नाहर और बाघिन रानी को इन दिनों साथ रखा जा रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।